और उसके लास्ट में लिखा होता है कि जो ये सतबार करेगा सर्वानंद पीस होएगा। तो मैंने किसी का पढ़ा था कि जो श्री यंत्र है, जो उसका आखिरा पड़ाव है, उसको सर्वानंद कहते हैं। तो वो मैंने पढ़ा था, इसलिए मुझे तब मुझे पता लगा कि ये जो मतलब कि जो सर्वानंद मतलब आपकी वो स्टेज आ जाएगी जब आपको बिल्कुल। लेकिन जब हम भैरव चालीसा पढ़ते हैं, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो हम यही सोचते हैं अच्छा हमारे दुश्मन भी मर जाएंगे, नॉर्मल वही आता है विचार। देखिए भैरव के सिस्टम में एक्चुअली क्या है कि कोई समझ नहीं सकता है। जो ये कह दे कि भैरव सिस्टम को समझ गया, कि वो नहीं समझा है, क्योंकि उसका सिस्टम जब जो समझ जाता है वो स्वयं भैरव हो जाता है। और वो ऐसी स्टेट है कि आपकी समझ बूझ सोच सब समाप्त हो जाती है। वो ऐसी स्टेट है कि आपकी अपनी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। वो परम आनंद की स्टेज है, जैसे सर्वानंद है, हम उसको परम आनंद कहते हैं। परम आनंद मतलब एक तो आनंद है ही, मतलब आनंद मतलब सुख नहीं है। आनंद एक ऐसी स्टेट है कि आप इस पूरे ब्रह्मांड के महाराजा अपने आप को आभास करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ चाहिए नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। आप हर जगह है ना, सब में आप दिखेंगे और सब आपके दिखेंगे। आपकी सबसे दुश्मनी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब सब में आप ही आप हो तो आप अपने से थोड़ा ना लड़ोगे, आप सबको स्वीकार करोगे। तो आपका भय समाप्त कर देता है, वो भय ऐसे समाप्त कर देता है कि आपके पास जो भय की भावना होती है वो किससे होती है? मेरा कोई लूट ना ले, मेरा कोई छीन ना ले, मैं मर ना जाऊँ, मैं समाप्त ना हो जाऊँ। अरे जब खुद मर गए तो अपना जितना भी रिलेटेड होता है वो सब समाप्त हो जाता ना, निर्लिप्त हो गया, वैरागी हो गया, सब खत्म हो गया, सन्यासी हो गया, परम सन्यासी घटना घट गई। तो वो भावना घट गई कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, क्या लूट लेगा कोई, लूट ले, शरीर तो हो ही गया ना, साधक का तो शरीर वैसे ही खत्म हो गया, अपना जो कॉन्शियस था वो भी खत्म हो गया। जहाँ कहीं ना कहीं एक बिंदु जहाँ उसको लगता था कि वो है आखिरी बिंदु, जिस बिंदु पर वो था, वो भी ले लिया उसने। अब जब कहीं कोई एग्जिस्टेंस बची नहीं, मेरा कहीं कोई अधिकार बचा नहीं, तो मुझे कहीं कुछ पहुंचना नहीं, जब सब प्राप्त हो गया तो मुझसे कोई क्या छीनेगा? तो वो भय समाप्त कर दिया उसने। ऐसा नहीं कि वो सबको मार देगा, सबको ठोक देगा और कहेगा बेटा तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर है, मेरे हथियार हैं, षटकर्म सिद्ध हो गए हैं, किसी को मारो। अरे षटकर्म जिन तांत्रिकों को सिद्ध हो गए हैं वो भी तो डरे डरे घूमते हैं, अब कौन कर रहा होगा। अभी कोई एक गुरु है किसी चेले का, वो ज़बरदस्ती की मेरे से दुश्मनी ले रहा था, बेकार की, क्यों? मेरे आगे सदगुरु लगा हुआ है, उसको इस चीज़ से चिढ़ लग गई, ठीक है, और वो सब सिद्ध है, ठीक है, अपना फ़ोटो चेहरा कहीं नहीं दिखाता। मैं कहता हूँ फ़ोटो चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा हो, किस बात का डर है जब सिद्ध हो गए हो? मेरा गुरुमंडल का आदेश नहीं है। ऐसा कौन सा गुरुमंडल है जो आदेश नहीं दे रहा? वो तो कहेगा ना कि सबको अपनी ऊर्जा से जोड़ो और सबको सही रास्ते पर दिखाओ। अब उन्हें चेहरा नहीं दिखाता, छुपाए रखता है। उसके चेले मेरे ऊपर गलत गलत वो वीडियो बनाते हैं। ऐसा चेला कैसे हो सकता है गुरु के आदेश के बिना, एक बात। दूसरा, जब कोई गुरु किसी चीज़ को बताता है तो वो उसके जो शब्द होते हैं वो शब्द से नहीं बता रहा होता है, शब्द के पीछे कुछ ना कुछ वो ऊर्जा फेंक रहा होता है, उन शब्दों के पीछे से कुछ ना कुछ ऐसा भाव आ रहा होता है, वो चाहता है कि उसमें वो बहे, ना कि शब्द में। तो जब भी मेरे निवेदन है कि जब भी मेरे को सुने तो मेरे शब्दों को सुन के लॉजिकल माइंड को लगाने का प्रयास ना करें, कहीं ना कहीं उसमें खोने का प्रयास करें, है ना। तो कुछ लोगों क्या होता है कि ज़्यादा देर बैठने प्रॉब्लम होती है तो लेट जाओ, कुछ लोगों क्या होता है कि माइंड भाग रहा होता है इधर उधर। अरे तो माइंड भाग रहा है तो उठ के थोड़ा सा इधर उधर दौड़ो, भागो, अपना सारा जो भाग रहा है ना इधर उधर तुम्हारे शरीर पर आके इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि बॉडी पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, सांस तेज़ी चलने लगेगी, तो फिर वहीं आ जाएगा, फिर सुनने लगेगा, थका हारा बेचारा क्या करें, वो मरणासन्न स्थिति हो जाती है, कहीं भागता नहीं है। तो इस तरह की कई सारी क्रिया मैं करवाता हूँ। बड़े सोच के हैरान होती हूँ, जैसे हम हैं, हमें नहीं पता भगवान है, नहीं हमने कभी कोई जैसे देखा नहीं है ना, सुना है लेकिन देखा नहीं। तो जैसे ये जिनको थोड़ी बहुत सिद्धि होती है तो इनको तो पता लग जाता है ना कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ ईश्वर है
उसके बाद भी फिर उनका अहंकार नहीं मर पाता, क्योंकि उनको उनको उनकी अनुभूति में आ जाता है कि हाँ जैसे कुछ एक्स्ट्रा पैरानॉर्मल कुछ है। जैसे मेरे एक्सपीरियंस में तो अभी मैं ही हूँ, मुझे कुछ कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कोई जैसे मैंने कोई देवी देवता आया हो गायब हो गया हो, तो मेरे को नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जैसे जैसे विश्वास होता है ना जैसे भी हाँ ईश्वर है, जब उसकी हल्की सी अनुभूति थी उसके बाद भी फिर लोग अहंकार की तरफ और उस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको तो अनुभूति हो जाती है। अगर एक छोटी सी जैसे परी है, अगर परी भी है तो इसका मतलब फिर ईश्वर भी तो है कि वो सब सच है। अभी तो इस स्टेज में है कि हमें लगता है पता नहीं सच है कि नहीं है। नहीं तो ये बीच की स्टेज है ना, इसमें उसको सिर्फ फील हो सकता है, लेकिन अभी उसकी जितनी भी वासनाएं हैं, लोभ हैं, लालच है, वो समाप्त हुए नहीं है। अहंकार तो बहुत आखिरी घटना है, अहंकार तो वो 99.99 भी खत्म हो जाएगा तब भी वो जो 0.01 बचा होगा वो भी उसके लिए बहुत 100% कभी भी हो सकता है। तो वो अहंकार तो इतनी आसानी से मरता नहीं है। कोई भी कह दे कि शिवो अहम भैरवो अहम वो अहम ब्रह्मास्मि, तो उद्घोष होता है जब वो लीन हो जाता है ना, तो इस ब्रह्मांड में उद्घोष होता है उस। ऐसा नहीं कि वो इंडिविजुअल बचा रहेगा और वो चिल्लाएगा मैं ब्रह्म हो गया मैं शिव हो गया, ऐसा नहीं। इस ब्रह्मांड में उद्घोष होता है क्योंकि वो ब्रह्मांड में लीन हो जाता है ना, उस ब्रह्म का हिस्सा हो जाता है। अभी वो अवतार सिंह जी पीछे बैठे हैं, वो आशुतोष महाराज जी के बारे में बात कर रहे थे, है ना, उनसे जुड़े रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, मैं आशुतोष महाराज जी के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला था लेकिन उनका आदेश नहीं आया तो मैंने रोक दिया। ऐसे ही आपका ये सुशांत मरा है, तो सुशांत का भी संपर्क हुआ मेरे से, तो वो एकदम पागलों की तरह हरकत कर रहा था, मुझे बचा लो मैं पागल हो गया हूँ, मैं ऐसा करता हूँ वैसा कर दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एकदम पागलों की तरह। तो फिर मैंने वहाँ पर वो काट दिया, मैंने उसका वो करा ही नहीं। कपिल जी बहुत मेरे पीछे पड़े हुए थे, बताइए बताइए बताइए, तो वहाँ पर उसने वो नहीं करने दिया, उसने कहा कि नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं देख रहा था अभी कोई जो गैजेट्स के माध्यम से वो रिकॉर्ड करते हैं, तो कोई जो है यूट्यूब पर चला रहा था कि मुझे मारा गया है, आई एम इन ट्रबल, इस तरीके से कुछ वो जो है अपना मैसेज करके ना, वो जो ब्रेन के सिग्नल्स मिलते हैं ना उसमें, उनको अब इन्होंने बना लिया यूएस आर्मी वालों ने, उनको पिक्चर फॉर्म में, मतलब आपकी जो मेमोरी है उसको एज अ मूवी की तरह चला देते हैं। हाँ, तो वो जो पैरानॉर्मल वाले हैं और जो ये छोटे मोटे सिद्धि साधना वाले हैं, वो करते क्या हैं, वो यही करते हैं कि वो अपने जो छोटी मोटी जो उनकी चीज़ें हैं ना, उनको पूर्ण करने के लिए, उनको अर्जित करने के लिए इन सब छोटी मोटी चीज़ों पे जाते हैं और वो उसी में ही फंसे रह जाते हैं। उनकी ऊर्जा उतनी है ही नहीं, उतनी अग्नि है ही नहीं कि वो उस परम के बुलावे को महसूस कर सकें। कुंडली स्कैन जो आप एक बार बोला था, हाँ, क्योंकि मैं जब बैठता हूँ जब करने के लिए तो बहुत बार वो मतलब कुंडली में उथल पुथल होती रहती है। हाँ, अभी भी चल रही है उथल पुथल। तो मैंने अभी ये बोला ना कि उसके बारे में ज़्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि वो उसका अपना वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। इस बात को समझो अगर, तो बहुत ज़्यादा बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चीज़ को समझो लेकिन तुम समझते नहीं हो तो कोई समझाता नहीं है गुरुजी, वो तो बात है। नहीं, वो समझाता नहीं, इसलिए तो नहीं समझाते क्योंकि समझानी नहीं है उसको। मैं यही बता रहा हूँ कि अगर कुंडलिनी के बारे में, मैं सब चीज़ों के बारे में डाल रहा हूँ, उसके बारे में क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में क्यों बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी का करैक्टर है कि उसके बारे में नहीं जाना जाना चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए, तो उसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए, है ना। लोग जो बता रहे हैं 99% फेक चीज़ बता रहे हैं, सिर्फ पढ़ी हुई करके अपने अपने अनुभव करके बता रहे हैं, क्योंकि हर किसी की कुंडलिनी का एक्सप्रेशन अपने अलग तरीके से होगा, उसके अपने संस्कारों के आधार पर होगा, उसकी जो अपनी करेक्टरिस्टिक है उसके आधार पर होगा, है ना। कुछ लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, उनको पता भी नहीं चल पाता है, वो सहज रूप में विचरण करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है, वो उनका नेचुरल स्टेट वैसा रहता है, और जो बाहर से पढ़ के आते हैं उनको विकृत हो जाती है चीज़ें, क्यों, क्योंकि उनके दिमाग में घुस जाती है ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी ही घंटी बजनी चाहिए, तो वो अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर रियलिटी में इसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो इसके बारे में बात करना बंद कर दो, और ढूंढ बात
ढूंढना भी बंद कर दो, देखना बंद कर दो, पूछना बंद कर दो। सबसे बड़ी बात होती है एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दो जैसा हो रहा है, तो आपके साथ बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छा यहाँ मूलाधार में हो रहा है, ठीक है, अब ऐसे ऐसे हो रहा है, अच्छा किससे पूछें, चलो नेट ढूंढते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा, फिर उसको जो है घुमाना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद गुरुओं से पूछना शुरू करते हैं, फिर किसी और से पूछेंगे, फिर कल्पनाओं में भी पूछेंगे, फिर विचारों में, फिर सपनों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा व ज्ञानवर्धक लगा हो तो सभी मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। काल भैरव ध्यान संस्थान के अंतर्गत भगवान भैरव के मंदिर व आश्रम निर्माण में आपका सहयोग आवश्यक है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेटीएम या गूगल पे पर अपना सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद।